फल पत्तियां पाही चूड़ा खनके मंथन के मुतियारा पटोला बनके गन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाही चूड़ा खनके मेरे सोने सोने वे वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना तेरे सोने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लिव ब्यूटीफुल लाइफ। तो दोस्तों, आज और एक नया ट्रिप शुरू हो गया है हम लोगों का, और आज लास्ट बट वन डे है, मतलब कल हम लोग चले जाएंगे। तो आज जो घूमने वाले हैं दोस्तों, हम लोग अभी लॉस एंजलिस से हम लोग जा रहे हैं SFO, और ये वाला जो जगह है यहाँ, ये जगह को बोलते हैं बिग सुर। तो बिग सुर यहाँ पे बहुत सारे अट्रैक्शन है दोस्तों, और यहाँ पे जो हम लोग जो खड़े हैं यहाँ पे, देखिए पैसिफिक ओशियन है ये वाला जो है, और पैसिफिक ओशियन के साइड साइड से हम लोग जाएंगे SFO। तो और ये पैसिफिक ओशियन का पानी पूरा ब्लू कलर का है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा अच्छा वेव आ रहा है दोस्तों, आप लोगों को दिखाते हैं। और हर एक जगह मतलब अट्रैक्टिव लग रहा है, सीनिक लग रहा है हर एक जगह, तो दिखाते हैं आपको यहाँ पे। दोस्तों, हम लोग ड्राइव करते हुए एक पॉइंट पे पहुंच गए हैं जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, और उस पॉइंट का नाम है एलिफेंट सील विस्टा पॉइंट। और वहां पे बहुत सारे सील हैं दोस्तों यहां पे, और सब सोए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सील तो मैं आप लोगों को फ्लोरिडा में भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन ये पैसिफिक ओशियन में सील देखना कुछ अलग सा फील आ रहा है। तो और ये सब पूरा एकदम बंच में रह रहे हैं ना, पूरा ग्रुप होके रह रहे हैं ये। तो दोस्तों, अभी हम लोग ये वाला पॉइंट पे आए हैं, विस्टा पॉइंट पे। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, वेलकम टू द कैलिफोर्निया कोस्टल ट्रेल एट हर्ष साइमन स्टेट पार्क। तो ये हर्ष साइमन स्टेट पार्क है, और यहाँ पे ऐसे सील सब दिख रहे हैं, यहाँ पे देखना सो रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, हर पॉइंट हम लोग देख देख के जा रहे हैं, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत सुंदर सुंदर नज़ारा
फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए हैं बिक्सबी क्रिक ब्रिज में और हमारे पीछे तरफ है, यहाँ पे बहुत सारे फोटोज हम लोग लिए और वो इंस्टाग्राम में सब कुछ जाएगा। दोस्तों प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम लिव ब्यूटीफुल लाइफ 143 पे वाला जो स्पॉट है, यहाँ पे पूरा बिक्सबी ब्रिज दिख रहा है। और मैं दोस्तों ये बिक्सबी ब्रिज को वॉलपेपर में बस देखी थी, बहुत सुंदर दिखता है। मैं आप लोगों को जो ब्रिज गया है ये है बिक्सबी ब्रिज बोलते हैं, आप लोग इसे वॉलपेपर में देखे होंगे। और ये रहा पूरा पैसिफिक ओशियन का व्यू और पूरा पहाड़ है और वो ब्रिज है, बहुत सुंदर लग रहा है ना। मैं बस इसे बस कैप्चर करना चाहती हूँ, ये मोमेंट को, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और यहाँ पे भी एक स्पॉट है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे गाड़ी पार्क करके यहाँ पे रुक के ये बिक्सबी ब्रिज को देख रहे हैं लोग और ये फोटो लेने में बिजी हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग एक ये बिक्सूर में कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे और एसोपा की तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए ये पैसिफिक ओशियन बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। तो क्या चल रहा है? खीरा काट रही हूँ और नींबू निचोड़ रही हूँ उसमें, यही खाना पड़ रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा, बिक्सूर में कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर ट्रिप पे आ रहे हो लॉन्ग ट्रिप में तो कुछ खाना लेके आना चाहिए, लेकिन हम लोग का खत्म हो गया है तो है नहीं, और कुछ जो भी है वो एडजस्ट करना पड़ रहा है। भैया केला लेके आए हैं अभी। पहुंच गए हैं एले से ड्राइव करते करते, लगभग 4 घंटे का ड्राइव था। हम लोग आपको दिखाए बिक्सूर से होके हम लोग यहाँ पे अभी एसोपो में पहुंच गए हैं। और एसोपो में आप देख सकते हैं ये वाला जो है ये गोल्डन गेट ब्रिज है, यूएस का सबसे फेमस ब्रिज है ये, और इसको बोलते हैं गोल्डन गेट ब्रिज। ये देखिए ये यूएस का सबसे फेमस ब्रिज गोल्डन गेट ब्रिज ये वाला है एसोपो में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे शाम हो गया है, अभी सनसेट के टाइम पे हम लोग एसएफओ
गोल्डन गेट ब्रिज में पहुंच गए हैं और अभी नीचे जा रहे हैं हम लोग, और नीचे से पूरा सनसेट दिखेगा वो ब्रिज में, पूरा सनसेट दिखेगा। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग ऊपर से पूरा नीचे वो बीच में जाएंगे और वो बीच से बहुत ही अच्छा व्यू आएगा ब्रिज का। ये वाला बहुत स्टीप है दोस्तों, लोग आ रहे हैं नीचे से, बहुत सारे स्टेयरकेस हैं यहाँ पे। Hey. Thank you. और दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ठंड लग रहा है और बहुत हवा चल रहा है ना, समंदर है पैसिफिक ओशियन, तो बहुत ही हवा चल रहा है। तो अंकिता धीरे धीरे आ रही है, आराम से आओ। कैसा लग रहा है? मुझे तो ठंड लग रहा है अभी, वहाँ पे गर्मी में सड़ रहे थे और यहाँ पे अचानक वेदर चेंज हो गया और ठंड लग रहा है मुझे। दोस्तों हम लोग का पिछले वाला वीडियो अगर देखे होंगे तो ग्रैंड कैनियन, एंटीलोप कैनियन, वो सब जगह पे बहुत ही गर्मी था दोस्तों, बहुत ही हॉट वेदर था वहाँ पे, बट यहाँ पे चिल है, बहुत ही कोल्ड है, बहुत ही कोल्ड वेदर है। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग थोड़ा सा नीचे आ गए हैं अभी, और ये पैसिफिक ओशियन, वो रहा गोल्डन गेट ब्रिज, और वो देखिए कितने सारे। दोस्तों SFO का सफर आज यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा गोल्डन गेट ब्रिज, जो कि हमारा ड्रीम था, आके देखे, फोटो खींचे, सनसेट देखे, तो हम लोग वो कर पाए। और पहले जो जितना भी वीडियो आप लोगों को दिखाए हैं उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी था, लेकिन आज वेदर बहुत ही अच्छा है तो फोटो बहुत ही अच्छा आया है। तो फिर मिलेंगे और एक एक्साइटिंग ब्लॉग में दोस्तों। अगर कल हम लोग SFO में रुके तो और छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे, और वो वाला होगा SFO डाउनटाउन का। तो SFO में भी बहुत जगह है दोस्तों, वहाँ पे केबल कार है जहाँ पे हम लोग राइड करने वाले हैं, और केबल कार में बैठ के बहुत सारा प्लेसेस घूमेंगे SFO डाउनटाउन में। तो वीडियो में बने रहेगा और नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए रहते हैं, चलते हैं, टेक केयर, गुड बाय, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।